हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल हम लोगों के घर पे बाहर से काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिस्किट, नट्स, मैगी, कॉर्नफ्लेक्स और बहुत सारे पैक्ड आइटम्स आते हैं। टेट्रा पैक्स आते हैं, जूसेस, केचप, जैम्स, डिफरेंट सॉसेस, वेगन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वेज, नॉन वेज, बहुत सारी चीज़ें आजकल हम लोग बाहर से लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हम लोग चेक करते हैं खरीदने से पहले? क्या हम लोग लेबल्स रीड करते हैं खरीदने से पहले? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेबल रीडिंग पे। बेसिकली लेबल रीडिंग की कैसे जाती है, क्यों करना बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली अगर आप उसे करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी चॉइसेस पे, यही बात करने वाली हूँ मैं आज आपकी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा पोहानी। हाय प्रिया मैम, हाय लतिका मैम। सो लेट्स स्टार्ट। लेबल रीडिंग बेसिकली होता क्या है? आप जो भी फूड पैकेज खरीदते हैं उस पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दो नहीं सर तीन चीज़ें। एक तो उसके इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, एक्सपायरी डेट, ये तीन चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। हर पैकेज पे न्यूट्रिएंट्स लिखे रहते हैं। देखिए, ये मैं इसको सीधा पकड़ती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड। देखिए, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और पैकेजिंग डेट इन्फो, ये सब लिखा रहता है। ये पैक कितने ग्राम्स का है ये भी लिखा रहता है, और कि न्यूट्रिटिव वैल्यू में 100 ग्राम्स के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू दी रहती है। तो आप लोग जो पैक खरीद रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वो नहीं है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू सिर्फ 100 ग्राम्स के लिए है। हमारा पैक कितना होता है यूजुअली? 250 ग्राम्स, 1 kg, 1/2 kg, समथिंग लाइक दैट। सो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू टोटली चेंज हो जाती है आपकी कंजम्पशन। इसके अलावा क्या आप लोग लेबल्स रीड करते हैं? अगर नहीं तो प्लीज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपकी नहीं, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, घर पे एल्डरली की, सबकी हेल्थ आपके लेबल्स रीड करने से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। बेसिकली जब हम चेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स, तो वहाँ लिखा रहता है नो शुगर। कई प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है, आजकल तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि दे आर शुगर फ्री, बट वहाँ ब्रैकेट में और भी चीज़ लिखी रहती है, इट कंटेन्स डेक्सट्रोज, लैक्टोज, कैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो ये सारे फॉर्म एक्चुअली शुगर के ही हैं। These are different forms of sugar. They are not said to be simple sugar, but ये sugar के ही different form है। तो अगर आपके pack पे लिखा हुआ है no sugar, but bracket में दिया हुआ है कि galactose, dextrose, या आप sugar के और भी नाम google कर सकते हैं, 100 नाम आते हैं। और companies ये क्यों use करती हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सेफली यूज़ करवाना रहता है, मार्केट करना रहता है। दिस इज़ अ मार्केटिंग जिमिक बेसिकली, जो आपके पैकेजिंग से रिलेटेड रहती है। तो नो शुगर जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है, बेहतर है आप शुगर वाला प्रोडक्ट खरीदिए, कम से कम उसमें शुगर है, शुगर के सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं है जो ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल लिखा रहता है, इट्स बाय डिफॉल्ट वहाँ लिखा ही रहता है। पाम ऑयल एक्चुअली बैन है, लेकिन जो चीज़ बैन होती है सारी दुनिया में वो इंडिया में चलती है। जैसे कि और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन रहते हैं, बट इंडिया में वो चलते हैं। तो पाम ऑयल बेसिकली आपका ऐसा एक ऑयल है जो कि आपकी ऑर्गन्स को बहुत जल्दी ख़राब करता है, आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन बहुत जल्दी ख़राब करता है। पाम ऑयल से ऑलरेडी कई एनिमल्स, सी एनिमल्स, सी लिविंग बॉडीज हैज़ बीन अफेक्टेड। तो पाम ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा
हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए एक लिमिट है जो FSI ने दी है कि इतनी ही लिमिट एक ह्यूमन बॉडी पाम ऑयल के लिए कंज्यूम कर सकती है। तो कंपनी वाले सोचते हैं इतनी लिमिट तो बॉडी कंज्यूम कर सकती है ह्यूमन की, एंड दे ऐड, बट एक प्रोडक्ट में ही उतनी लिमिट अगर हो जाती है, उसकी आधी भी होती है, हम दिन में ऐसे 4 प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो एक दिन में उसकी लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर जाती है। अगर हम वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कितना ज़्यादा अपने ऑर्गन्स को ख़राब कर रहे हैं, ये समझिए। तो पाम ऑयल बेसिकली हर प्रोडक्ट में यूज़ होता है। आप कोई भी जैम, जेली, सॉस, केचप, फ्रूट जूस, या आपके आजकल पैक्स आते हैं ना इंस्टेंट रेडी टू मेक, उनमें पॉपकॉर्न जो एक्टिका रेडी टू आता है वो, या आपके बिस्किट्स, इन सब में आप चेक करोगे हर जगह आपको पाम ऑयल मिलेगा ही, या फिर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है। बेसिकली वेजिटेबल ऑयल कंटेन्स ऑल्सो, इट्स अ वेजिटेबल ऑयल बट उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत डिटोरिएट हो चुकी होती है। तो पाम ऑयल या प्लस वेज ऑयल कई लोग यूज़ लिखते हैं आपके कंपोजिशन पे, तो पाम ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है उसमें कंपैरेटिवली। सेकेंडली, कई डिजीजेस जैसे कि कैंसर पाम ऑयल के कारण होता है, लीवर इन्फेक्शंस पाम ऑयल के कारण होता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि हमने तो कभी स्मोकिंग नहीं की, अल्कोहल नहीं लिया, फिर भी हमें कैंसर या लीवर जैसी बीमारी कैसे हो गई। तो वहाँ एक सवाल आता है, आप पैकेज फूड कितना खाते हो? क्यों? क्योंकि अगर आप पैकेज फूड खाते हो तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आपका लीवर और कैंसर जैसे डिजीजेस ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपको। इसके अलावा कई नेचुरल फ्लेवर्स डाले जाते हैं या फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। आपको दिखेगा वहाँ पे I-15, I-154, I-152, ये एजेंट्स हैं बेसिकली। दीज आर डिफरेंट फूड एजेंट्स, आप कलर बोलो, एडिटिव्स बोलो, प्रिजर्वेटिव्स बोलो, इनको कोड्स दिए गए हैं FSSAI की तरफ से दिए जाते हैं, बिकॉज दे कांट राइट द नेम, इसीलिए वो नंबर डालते हैं। और जब आप वो नंबर चेक करने जाओगे, आप कर सकते हो गूगल, तो आपको पता पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट यूज़ किया गया है। उन प्रोडक्ट्स की परसेंटेज यूज़ नहीं की लिखी रहती है, उन आपके प्रोडक्ट में लिखा रहता है दे आर यूज्ड, बट ये नहीं लिखा रहता है कि वो कितना परसेंट यूज़ किया है। जैसे अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लोगे तो उसमें लिखा रहेगा व्हीट फ्लोर 60%, ऑयल इतना परसेंट, बट ये प्रोडक्ट्स कभी नहीं लिखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूजेज FSSAI की तरफ से मिनिमल रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड रहती है, बट ये लोग कितना यूज़ करते हैं ये लोग नहीं डिक्लेयर करते। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग डिक्लेयर करने लगे तो उनके प्रोडक्ट्स वो नहीं चल पाएंगे। और हर प्रोडक्ट के टेस्ट के ऊपर होता है, अगर ये फ्लेवर्स नहीं ऐड किए जाएं तो जो टेस्ट आपको मिलता है ना लेज में, कुरकुरे में, बिस्किट्स में, वेफी जैसे प्रोडक्ट्स में, या क्रीम बिस्किट्स में, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। और टेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी और वो प्रोडक्ट मार्केट में इतना बिकेगा नहीं। इसीलिए वो फ्लेवर्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। क्यों? देन ओनली दे ब्रिंग द टेस्ट। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी आप लोग पकड़ लो कि जैम, जैम में अगर वो लोग लिखते हैं कि फ्रूट्स, तो उसका जो यूज़ किया जाता है वो बहुत मिनिमल अमाउंट में और राइट फॉर्म में भी नहीं यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी फूड देखो आप जो नेचर में उगता है, आप लोग बहुत शौक से खरीदते हैं नेचुरल जूसेस, फ्रूट जूसेस, या नेचुरल जैम्स, या जेलीज, या पतंजलि के बिस्किट्स, तो वो कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट में से नहीं बना रहता है। क्यों? अब कोई भी फ्रूट या खाने का पदार्थ क्या बिना किसी
एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स या नॉर्मल, इस पे आप एक हफ्ते या 8 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। अब आप कोई फ्रूट ले लो, वाटरमेलन, मैंगो, बनाना, आप 4 दिन रखते हो घर पे तो वो ख़राब होने लगता है। ब्रेड, आप ब्रेड अगर लेकर आए और आपने उसे फ्रिज में नहीं रखा तो वो 2 दिन में ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। आप अगर बाहर रखो और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, विंटर्स है, तो वो 4 दिन लेगा, बट हर प्रोडक्ट ख़राब होता है। आप सब्जियाँ जो लेकर आते हैं, एंड कई लोग इंस्टेंट सब्जीज लेकर आते हैं मार्केट से और उसे यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो जो भी फ्लेवर्स होते हैं वो आर्टिफिशली क्रिएट किए जाते हैं और देन आपको वो सर्व किया जाता है एंड देन यू यूज़ इट। इसीलिए इंस्टेंट फूड इंस्टेंट लाइफ भी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंस्टेंट फूड का कंजम्पशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट होती है। इसीलिए अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, हायर अ मेड, वो बेहतर ऑप्शन है रेदर देन गोइंग फॉर ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेड भी नहीं रख सकते हैं, तो आप घर पे खिचड़ी बना लीजिए, दाल चावल, ये सबसे इजी तरीका है। मतलब खिचड़ी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है, दाल चावल 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है। जो आप MTR के या इडली के टेट्रा पैक्स लेकर आते हैं, एक्चुअली उसमें चावल यूज़ ही नहीं होता है, दैट इज़ उसमें सोडा यूज़ होती है। चावल को ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है, तो चावल की न्यूट्रिटिव वैल्यू तो चली गई ना पूरी। आप अगर फ्रेश इडली या डोसा खाते हो तो आपको B12 मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बहुत और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स मिलता है। लेकिन जब आप MTR वाला इडली का पैकेट लेकर आते हो, आपको इन न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है। आप बहुत बिजी हैं, आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप पहले प्याज काटें, फिर प्याज को भूनें, फिर टमाटर डालें, फिर उसको पकने दें, फिर सब्जी डालें। आप हफ्ते में एक दिन निकालो, आप प्याज को रोस्ट करके अपनी ही फ्रिज में रख सकते हो, वो रोस्टेड प्याज एक हफ्ते तक आराम से फ्रिज में स्टोर होता है। आप टमाटर को, आपके पास टमाटर को बहुत देर पकाने का टाइम नहीं है, आप टमाटर को पीस लो और फ्रिज में स्टोर करो और आप उसे एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। तो ये आपका सबसे इजी तरीका हो जाएगा कि आपने प्याज ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है, टमाटर पीसा हुआ है तो वो पकने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, और उसके बाद फिर आप जो भी सब्ज़ी बनाना चाहते हो, पालक, मेथी, आलू, गोभी, मटर, पनीर, जो भी, फिर वो सब्ज़ी डालो एंड जस्ट अलाउ इट टू कुक फॉर 15 मिनट्स। आपकी घर की सब्ज़ी बनी है, आपने कोई बाहर से चीज़ नहीं डाली है, आपका प्याज टमाटर सब घर पे कटा हुआ है, आपका सब्ज़ी आपने अभी फ्रेश डाली, तो ये सब्ज़ी कंपैरेटिवली आपके मार्केट प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं आपको नहीं पता। ये तो तेल भी आपने अपना यूज़ किया है तो आपको पता है कि आपने कौन सी क्वालिटी का तेल यूज़ किया है, कच्ची घानी किया है कि पाम ऑयल किया है, डालडा किया है कि घी किया है, क्या यूज़ किया है आपको पता है। इसीलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों का यूज़ कम से कम करें। ये इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो क्यों हो रही हैं एक्चुअली? क्यों? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, और ख़रीद क्यों रहे हैं? सिर्फ एक रीज़न, हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम बचाना चाहते हैं, हम टाइम बचाने में ज़िंदगी छोटी कर देते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, पहले जितनी बीमारियाँ होती थी उससे बीमारियाँ 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं, डबल स्पीड रेट से बढ़ गई हैं। आप 40-45 में हार्ट डिजीजेस, कैंसर, लीवर, किडनी, ये फेलियर्स बहुत कॉमनली देख रहे हैं बहुत यंग एज में। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारी जीने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। हम लोग वैसे जी नहीं सकते, आई एग्री, पर हम अपने न्यूट्रिशन पे, अपने खाने पीने पे भी तो टाइम दे सकते हैं। हम पहले की तरह हल नहीं चला सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उतना चल नहीं सकते,
पर हम क्या मुंह में डाल रहे हैं हम उसका तो ध्यान दे सकते हैं। आजकल कई लोग फ्रूट बास्केट्स ऑर्डर करते हैं या कट फ्रूट या सैलड्स ऑर्डर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम सैलड को छीलें, काटें और फिर खाएं। आपको पता है जब वो स्टोर किया जाता है वो सैलड कितने दिन पुराना रहता है? नहीं। आपको पता है उसको फ्रेश रखने के लिए दे यूज़ मेनी काइंड्स ऑफ पाउडर्स और लिक्विड्स टू मेक देम लुक लाइक अ फ्रेश। आपको पता नहीं है पैकेजिंग कैसे की गई है। इस कोविड में हम लोगों ने घर पे इतनी रेसिपीज बनाई, तो हमने ये तरीके भी तो सीखे ना कि हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे खाने से रिलेटेड है। हम इम्यूनिटी का डंका बजा रहे हैं, हम इम्यूनिटी के बारे में सारा दिन बोल रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले हम अपने पोषण पे ध्यान दें? इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, कि काम अपनी जगह है। हम लोग पहले 8 घंटे 6 घंटे काम करते थे, अब हम लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम तो हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम हेल्दी रहे ना तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद ज़्यादा आ जाएंगी। याद रखिएगा, आपकी गट, आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आप मेंटली काफ़ी फिट हैं, आप क्रिएटिव ज़्यादा हैं, आप सेटिस्फाइड ज़्यादा हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल नहीं सकते हैं, खुद खाना बना नहीं सकते हैं, तो आपका ब्रेन भी डेफिनेटली उतना क्रिएटिव वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और खुश नहीं हैं। आप सी, प्रमोशन एवरीवन वांट्स, बट व्हाट वी आर अचीविंग अलोंग विद प्रमोशन? बैड हेल्थ, डिजीजेस। इतना पैसा कमा के हम करेंगे क्या? आखिर तो हमें डॉक्टर्स को ही देना पड़ेगा। बेटर है हम थोड़ा कम कमाएं पर डॉक्टर तक तो न जाएं। सो ट्राई इट आउट, आप ये कुछ इजी टिप्स कर सकते हैं। लाइक आई सेड, आप लोग गार्लिक छील कर, पील कर कर स्टोर कर सकते हैं, वो 10 डेज तक बहुत अच्छे से फ्रेश रहती है। मार्केट में भी पील्ड गार्लिक मिलती है, आप वो भी ला सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा मेड हायर कर सकते हैं रैदर देन यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स। कुछ चीज़ें जो मुझे और बतानी थी, एक चीज़ और कि आप लोग कई बार देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड के होते हैं, प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन ब्रांड अलग होती है, इसीलिए उनकी कॉस्टिंग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट में जो स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स या एडिटिव्स यूज़ किए गए हैं वो डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि आप नॉर नेस्ले का ही रहता है, नेस्ले ले लो और एक ब्रांड ले लो, जैसे कि और कौन सी ब्रांड्स आती हैं, मैं तो इतना अभी मतलब टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस प्रोडक्ट्स आने नहीं देती हूँ घर पे। इसके अलावा आप जैसे जूसेस की ब्रांड ले लो, नेचुरल और एक जूसेस की ब्रांड आती है जैसे नेस्ले के जूसेस हम पकड़ लेते हैं और नेचुरल्स के, तो आप देखोगे कि एक की कॉस्टिंग 20 है, एक की कॉस्टिंग 30 है। क्यों ये डिफरेंस रहता है? जो 20 वाला प्रोडक्ट है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स या प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के रहते हैं। जो कॉस्टिंग हाई जा रही है उसकी कल प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो थोड़ा बेटर क्वालिटी के रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही केमिकल्स ही यूज़ कर रहे हैं, बट सिंस उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है इसीलिए उसमें केमिकल का यूज़ थोड़ा कम रहेगा। हम हमेशा देखते हैं सस्ती चीज़ खरीदने के लिए, पर सस्ती चीज़ आपको जल्दी बीमार करती है। इसके अलावा हम देखते हैं फ्री कितना है, जैसे कि एक वेफी के पैकेट पे दूसरा वेफी का पैकेट अगर फ्री है तो आप देखते हो कि आप खरीद लो, बट अगर आप देखोगे यही प्रोडक्ट दूसरी ब्रांड का वो महंगा आएगा, फ्री भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्चुअल फूड प्रोडक्ट है वो थोड़ा बेटर यूज़ किया गया है। इसके अलावा जैसे आप चॉकलेट सॉस देखो, आप हर्शीज़ की देखो और नेस्ले की देखो, तो दोनों की चॉकलेट सॉस की कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ती है। हर्शीज़ थोड़ा महंगा होता है, क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट सॉस में चॉकलेट का यूज़ करता है या कॉफ़ी या कोको पाउडर का यूज़ करता है, लेकिन अगर आप नेस्ले देखो तो वो चॉकलेट का यूज़ करता ही नहीं है, वो कोको पाउडर
के साथ पाम ऑयल मिलाता है। पाम ऑयल क्या करता है, कोको पाउडर को गाढ़ा बनाने में, थिक बनाने में हेल्प करता है। तो आप देखोगे कि इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे ना, अगर जैसे आप मैप्रो ले लो और माला ले लो, दो अलग अलग ब्रांड्स हैं मैप्रो और माला, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, केचप से लेकर क्रशेस तक एंड फ्रूट मिक्सर जैम्स। आप देखोगे जिसके प्रोडक्ट में शाइनिंग ज़्यादा है उसमें पाम ऑयल ज़्यादा यूज़ किया गया है, इसीलिए उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम है। जिस प्रोडक्ट में शाइनिंग ज़्यादा नहीं है उसमें पाम ऑयल इतना यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू डोंट यूज़ दैट्स द बेस्ट पार्ट, बट कई ऐसी ओकेजन्स आ जाती हैं जहाँ हम हेल्पफुल हेल्पलेस हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं, वंस इन अ वाइल चेंज चाहिए तो यूज़ कर लिया, तो भी आप ये प्रोडक्ट कैसे चूज़ करो वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे मैंने कहा चॉकलेट का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कई कंपनीज चॉकलेट सॉस में चॉकलेट यूज़ ही नहीं करती हैं, दे यूज़ ओनली कोको पाउडर एंड पाम ऑयल। और बहुत अच्छी कंपनी जैसे हर्शीज हो गई, एक्सपेंसिव रहती है, वो चॉकलेट का यूज़ करती है बट बहुत थोड़े प्रमाण में। तो इस तरह आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। एंड स्टिल इफ़ किड्स आर टू एडिक्टेड टू देम, और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि इन चीज़ों का एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप अपना पीनट बटर लेकर आते हैं तो आपको पीनट बटर एक सेटिस्फाइंग चीज़ लगने लगती है, आप पीनट बटर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट पीनट बटर में पीनट का यूज़ नहीं किया जाता है। आप खुद सोचिए जब आप आलमंड बटर या आलमंड ऑयल या आलमंड मिल्क लेकर आते हैं तो वो आपको बहुत चीपर रेट्स में मिल जाता है, लेकिन अगर आप बादाम खरीदने जाते हो, एक किलो बादाम 700, 800, 900 में आती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। सबसे लो क्वालिटी अगर आप पकड़ो तो भी वो 750 की आती है एक किलो बादाम। एक किलो बादाम अगर आप घर पर उसमें से बटर निकालोगे ना, हार्डली 50 to 100 ग्राम निकलेगा। आई बेट यू यू कैन ट्राई इट एट योर होम, आई हैव डन दैट। तो वो 50 या 100 ग्राम बटर 750 रुपये का, उसमें मेहनत, बाकी थिंग्स अलग, गैस तो खैर नहीं लगता है बट मेहनत काफ़ी लग जाती है क्योंकि मिक्सर में उसको पूरा पीसना पड़ता है, देन रखना पड़ता है। तो आपको आलमंड बटर मिलता है 400-500 रुपये का, ठीक है, आपको 500 रुपये का आलमंड बटर मिल रहा है 500 ग्राम्स, या आप मिनिमम पकड़ लो 250 ग्राम्स, जबकि बादाम की खुद की कीमत 750 रुपये है एक किलो की, जिसमें से हार्डली 50 ग्राम्स मिलता है। तो यानी 250 ग्राम के लिए कम से कम 5 किलो या आप मिनिमम पकड़ो 3 किलो बादाम लगेगी। 3 किलो बादाम खुद 2100 की होती है, तो कोई आपको 500 रुपये का पीनट आलमंड बटर कैसे बेचेगा। अब आप यही बात पीनट बटर के लिए ले लीजिए, 1 किलो पीनट ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, ठीक है, 1 किलो पीनट 100 रुपीज़, तो 1 किलो में से पीनट बटर कितना निकलेगा 50 ग्राम्स, क्योंकि उतना जितना प्रोडक्ट है उतना पीनट बटर नहीं निकल सकता। अभी आपका जो पीनट बटर आता है वो आता है 250-300 रुपये का, वो कितनी क्वांटिटी होती है मिनिमम, मैं पक कह रही हूँ, मिनिमम जो पैक आता है वो 250 ग्राम्स का आता है, तो उसमें कम से कम 3 किलो पीनट तो लगेगा। तो अगर 3 किलो पीनट ही 300 रुपये का लग रहा है तो आपको 250 रुपये का 250 ग्राम पीनट बटर कैसे मिलेगा। सो गाइस डू योर रिसर्च टू द स्टडी, देन ओनली गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स। एंड अगर आपको बहुत क्रेव है तो आप वंस इन अ मंथ थोड़ा सा यूज़ करो, बट रेगुलर बेसिस पे जो आप सोचते हो कि पीनट बटर बहुत हेल्दी है, आपको प्रोटीन दे रहा है, तो द मार्केटिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री इज नॉट डम, इट्स अ इंडस्ट्री ऑफ करोड़, इनके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स चलती हैं यू नेवर नो। सो नो बिहाइंड द सीन्स एंड स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। अगर आपने ये वीडियो बाद में देखा है कैसा लगा कमेंट कीजिए, आपके अपनों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि शायद एक बीमारी रोकने के लिए आप एक बंदा कॉन्ट्रीब्यूट कर ले तो हम अपने देश से, अपने रिलेटिव्स की लाइफ से एक बीमारी कम कर सकते हैं। और अगर एक बीमारी कम हुई ना
तो इंसान की 100% प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। जो लीवर डिजीज से सफ़र करते हैं, किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं, कभी उन्हें बहुत करीब से देखिए, आपको लिटरली रोना आएगा। आप सोचो कि क्या पाप किया इस इंसान ने जो इसे ये बीमारी मिली। तो इसीलिए अगर आप किसी एक इंसान का भला करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड इन प्रोडक्ट्स को अगर आपने यूज़ करना बंद किया तो इन प्रोडक्ट्स की बनावट भी बंद हो जाएगी, ये इंडस्ट्रीज बंद पड़ सकती हैं आपके एक नोज से, ये एडिक्शन बंद हो सकता है आपके एक नोज से। दीज आर एडिक्टिव प्रोडक्ट्स, पर अगर हम ठान लें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।